हेलो गाइस, तो ये वीडियो एक्चुअली एक छोटे से कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है। आज बहुत सारे जो ट्रैवल्स हो रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं है, तो किसी न किसी कंट्री से ट्रांजिट लेना पड़ता है। और इंडियंस के लिए क्या ना सबसे शॉर्टेस्ट राउट और चीपेस्ट राउट कहें तो वो है यूएई के रास्ते। अभी क्या हुआ कि मैं थोड़े दिन पहले अपने नवंकुर भाई का चैनल देख रहा था, यात्री डॉक्टर। तो उसने क्या किया ना, उसने उसको इराक जाना था अभी इंडिया से। तो उसने क्या किया कि उसने दुबई के रास्ते, शारजा के रास्ते से ट्रांजिट लिया, लेकिन उसमें उसने एक एक गलती कर दी। मतलब ऐसा ऐसा समझो कि ज़्यादा खर्चा कर दिया। उसने क्या किया कि दुबई का वीज़ा ले लिया। अभी दुबई से ट्रांजिट करने के लिए इंडियंस को वीज़ा नहीं चाहिए, वो वीज़ा फ्री है 48 आवर्स तक। अगर हम वहाँ पर पहुँचे और हमारी नेक्स्ट फ्लाइट विद इन 48 आवर्स तक की है तो वीज़ा नहीं चाहिए, ले सकते हो ऐसे ही, और ऐसे ही जा सकते हो। मतलब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बस पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड विद 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी एंड, और जहाँ जा रहे हो उसका वैसे वीज़ा होना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ भी नहीं, वीज़ा नहीं लगता है, जैसे वहाँ भी वीज़ा फ्री है तो भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो अलग इशू है। लेकिन दुबई से अगर ट्रांजिट करो आगे चल के तो वीज़ा नहीं चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी देखो बहुत लोगों को पता भी होता है और बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है। और नवंकुर के साथ ये हुआ कि उसको पता भी है लेकिन तब भी उसने ले लिया। अब 7-8 हज़ार रुपये फंसाओगे ऐसे, वो नुकसान में आएगा, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस कह सकते हैं कि उसमें आ गया वो। ओके, और इस वीडियो को एक्चुअली बनाने का यही मोटिव है कि जिनको ना पता हो ये बात तो पता चल जाए, और जिनको ना पता हो कि मैंने भी एक्चुअली एक ट्रैवल चैनल ही अपना स्टार्ट किया है अभी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है पूरी वर्ल्ड में, इतना कुछ खुला नहीं है। मुझे पता है कि कुछ कंट्रीज़ ने इंडियंस के लिए खोल दिया है, लेकिन अभी मैं उन कंट्रीज से स्टार्ट ही कर रहा था और कोई मज़ा नहीं आ रहा है। अभी नोमैडिक का मैं चैनल देख रहा था, नोमैडिक इंडियन, वो मज़ा नहीं है। मतलब हिच हाइकिंग भी नोमैडिक इंडियन अपना कर रहा है लेकिन वो मज़ा ही नहीं अभी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जब भी खुलेगा वो ट्रैवल अपनी शुरू करेंगे रशिया से। तो जिनको ना पता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही ये सब शुरू होगा, खुलेगा, तो वो ट्रैवल शुरू करेंगे रशिया से। ओके, तो दैट्स इट।